नमस्कार और आप देख रहे हैं पलबल। ओवरब्रिज का खाका तैयार, मार्च तक करेंगे टेंडर। विधायक श्री सराफ ने रेलवे एवं बीएनआर के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की। अब रेलवे स्टेशन पर और उसके पार रहने वाले लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है। लाइन पार रहने वाले लोगों को आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसी के चलते ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तैयार हो चुका है, यानी उसका पूरी तरह से खाका तैयार हो गया है। अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो मार्च माह के अंत तक ओवरब्रिज बनने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज इसी मामले को लेकर के विधायक घनश्याम सराफ के साथ पीडब्ल्यूडी व रेलवे के अधिकारियों ने मंथन किया। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी आपका नाम? नाम विष्णुदत्त है। विष्णुदत्त जी, क्या कहेंगे अगर ये पुल की प्रक्रिया शुरू होगी? अब पुल बनने से कितना फायदा होगा, किन किन को फायदा होगा? जो पुल बनेगा जी, इतना फायदा हो जाएगा जी, कम से कम 50-60 गांव लगते इस गांव में, इसके ग्रोथ और कवर बिजलीना ये सारे काम इससे करते हैं। तो अब कितनी परेशानी है? अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी, पुल निकालने के रास्ते बंद हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो माना जा सकता है कि जो पुल बनेगा तो उसे बहुत घने फायदे होंगे। बहुत घना फायदा है, पुल बनेगा तो बहुत घने दिन का फायदा होगा।